जहां पहली बड़ी खबर आ रही है, ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञान व्यापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने का फैसला दिया है। वहीं सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक देने का निर्देश अदालत ने दिया है। विवादित स्थल को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा। मालूम हो कि 16 मई को हिंदू पक्ष ने सर्वे कराने की अर्जी अदालत में दी थी और वहीं मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया था। बड़ा फैसला वाराणसी कोर्ट ने सुनाया है कि एएसआई सर्वे की मंजूरी मस्जिद परिसर में दी गई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक ज्ञान रंजन जुड़ चुके हैं। ज्ञान रंजन जी, सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि ये ज्ञान व्यापी मामला है क्या? देखिए, वाराणसी की अदालत हिंदू पक्ष द्वारा दाखिल ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में आज फैसला सुनाई है और ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है पूरे देश के लिए, क्योंकि इस फैसले के बाद जो एक विवाद चलता आ रहा था कि जो शिवलिंग है वो फव्वारा है या शिवलिंग है, इसी को लेकर के अदालत में ये मामला को ले जाया गया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेके गए थे जब दोनों पक्ष के लोग, तो उस समय इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले पर अपनी राय देगा, अपना फैसला सुनाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में ये जांच के लिए कहा गया था, वो जांच करे कि इसका वैज्ञानिक सर्वे हो सकता है या नहीं। और इसके बाद आज जो फैसला आया है वो काफी अहम है। इस मायने में अहम है कि अदालत ने साफ कहा है कि इसका वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए, एएसआई सर्वे कराया जाए। तो एएसआई सर्वे कराने के बाद जब पता चलेगा कि ये फव्वारा, जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि यह फव्वारा है न कि शिवलिंग है, और जबकि दूसरा पक्ष जो हिंदू पक्ष है उसका कहना है कि ये शिवलिंग है, फव्वारा नहीं है, तो ऐसे में अब जो सर्वे होगा उस सर्वे का बारे में भी कहा गया है कि 4 अगस्त तक वो रिपोर्ट दे, जो वैज्ञानिक सर्वे को लेकर के 4 अगस्त की रिपोर्ट के आने के बाद जो बातें सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है कि उसमें काफी कुछ जो पक्ष में आना चाहिए था, जो हिंदू पक्ष के तरफ आया हुआ है फैसला कि इसका वैज्ञानिक सर्वे कराया जाएगा। मामला ये था कि शिवलिंग है या फव्वारा, इसको लेकर के ही ये मामला कोर्ट में चल रहा था। जी ज्ञान जी, तो वाराणसी अदालत ने एक बड़ा फैसला एएसआई सर्वे को मंजूरी देते हुए सुनाया है, तो अब आगे इसके क्या प्रभाव होने के आसार हैं? देखिए, जो वकील है विष्णु शंकर जैन, जो हिंदू पक्ष के वकील है, इससे पहले 14 जुलाई को उन्होंने कहा था कि हमने अदालत के सामने अपनी बात रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को हमारे पक्ष में फैसला सुनाया, हमने एएसआई से परिसर की जांच के किए जाने पर अपनी बात रखी है, हमें अदालत के आदेश का इंतजार करना चाहिए। इसके बाद आज अदालत ने यह आदेश दे दिया है कि इस मामले का वैज्ञानिक सर्वे, एएसआई सर्वे कराया जाएगा और इसकी रिपोर्ट 4 अगस्त के तक देने की बात कही गई है। तो अब इसमें जो आगे बात होती है कि वो परिसर के अंदर जो शिवलिंग है, जो ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर में पाए गए थे, उसको जो एक पक्ष कह रहा था यह शिवलिंग है और दूसरा पक्ष कह रहा था कि यह फव्वारा है, इस पर वैज्ञानिक सर्वे के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये फव्वारा है या शिवलिंग है। लेकिन फिलहाल जो हिंदू पक्ष के लोगों में जिन्होंने याचिका दाखिल की थी उनमें खुशियां हैं, और दूसरा पक्ष आगे क्या स्टेप लेता है, वो आगे क्या इसके इसको लेकर के और किस अदालत में जाएगा। लेकिन इससे पहले दर्शकों को ये बता देना जरूरी है कि जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक पत्र लिखकर कहा था कि मामला 19 मई 2023 को शीर्ष अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। जब उसने निर्देशों के कार्यान्वयन को 6 जुलाई 2023 तक के लिए टाल दिया था कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में निहित निर्देशों का कार्यान्वयन सुनवाई की अगली तारीख तक स्थगित रहेगा। हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश वाराणसी की देखरेख और निर्देशन में ज्ञान व्यापी परिसर के शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुमति दी, और इसके बाद आज जिस तरह से वाराणसी कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि इसका वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराया जाएगा, एएसआई सर्वे कराया जाएगा, तो इसके बाद से जो चीजें हैं वो क्लियर तभी होगी जब वो सर्वे सामने आता है, कार्बन डेटिंग के हिसाब से उसे देखा जाएगा, जो सर्वे सामने आएगा क्या वो शिवलिंग है या फव्वारा है, तभी जाके मामला क्लियर हो पाएगा। जी बिल्कुल ज्ञान जी, तो जैसा कि मुस्लिम पक्ष पहले से ही एएसआई सर्वे के विरोध में है, अदालत का ये फैसला उनके लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, ये अदालत का फैसला जाहिर है कि उनके पक्ष में नहीं गया है तो उनके मन में मायूसी होगी, लेकिन अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जो
जांच के लिए दिया गया है, वैज्ञानिक सर्वे के लिए कहा गया है, एएसआई सर्वे के लिए कहा गया है। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट क्या आती है, ये 4 अगस्त तक आना है कोर्ट के समक्ष, तो उसमें जो फैसला आएगा, क्योंकि इनकी मांगे वही थी, हिंदू पक्ष की मांगे थी कि एएसआई सर्वे कराया जाए, जबकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि ये फब्बारा है, इसका एएसआई सर्वे कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जाहिर है कि ऐसे में इनके पक्ष में यह नहीं आया, जो रूलिंग आया कोर्ट का वो मुस्लिम के पक्ष में नहीं आया है। तो ऐसे में अब देखना है कि 4 अगस्त को जो मामला, जो वैज्ञानिक सर्वे होता है, इसका जो रिपोर्ट दिया जाता है, उस रिपोर्ट में क्या बातें सामने आती है। लेकिन फिलहाल ये देखा जा रहा है, एक पक्ष जो हिंदू पक्ष ने जो अदालत में याचिका दायर की थी कि इसका वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए, एएसआई सर्वे कराया जाए, उनके पक्ष में यह फैसला आया है। तो ऐसे में थोड़ी सी मायूसी मुस्लिम पक्ष में जरूर देखने को मिलेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान जी तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद जो एक बहुत ही बड़ा मामला है, इस वक्त वाराणसी कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया है और कोर्ट का फैसला आया है कि एएसआई सर्वे को मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें, मस्जिद परिसर की सर्वे की मंजूरी मिली है और एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट 4 अगस्त तक देने का निर्देश अदालत ने दिया है। यही ये हिंदू पक्ष के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, वहीं मुस्लिम पक्ष के लिए ये एक बड़ा झटका है। अब ये मान के चलिए, ये साई को इस वक्त हिंदू पक्ष के वकील इस वक्त सर, क्या फैसला आया, क्या बोला है अदालत ने? फैसला अपने पक्ष में आया है, नोट फैसला अपने पक्ष में आया। हमारे प्रार्थना पत्र को माननीय जिला न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। कब तक ये ऐसा सर्वे होगा, ये प्रारूप क्या होगा इस सर्वे का? प्रारूप को सर्वे तय करेगा, पूरी कमेटी जो टीम आएगी वो तय करेगा कि सर्वे कैसे करेंगे। वो कोर्ट में अपने जो है वो देंगे अपने जो है गाइडलाइन की हम चेंज करें जो है। कितना वक्त मानकर चलिए? अब मान के चलिए नोटिस जाएगा, उनके जो है अधिकारी जो है पूरी टीम आएगी, हाजिर होगी कोर्ट में, और कोर्ट फिर वो कोर्ट में अपना जो है देंगे कि जो है हम किस तरह जो है ये जांच करेंगे। सारे बिंदु, जितने बिंदु हमने दिए थे, एक एक बिंदु को उन्होंने स्वीकार किया है। और ये बधाई जो है मैं पूरे देश या हिंदू समाज को देता हूँ। आज का दिन हम लोगों के लिए बड़ा शुभ दिन है और हमारे इस पूरे मुकदमे में ये टर्निंग प्वाइंट है। सर, सर्वे में कितना महत्वपूर्ण होगा ये ग्राफिक की जो लड़ाई आप लोगों को, ये जिस दिन तय कर देगा ये एसआई अपनी जांच में, और तय होना है जिस दिन ये तय होगा कि ये जो है मंदिर को स्ट्रक्चर को तोड़ के मस्जिद का रूप दिया गया है, उसी दिन हमारा जो है ये मुकदमा जो विवाद है लगभग समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन एएसआई ये जांच करके ये बताएगी कि ये परिसर जो है, स्ट्रक्चर जो है काफी पुराना है, औरंगजेब के पहले का है, हजारों साल सैकड़ों साल पुराना है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट इनकी थ्योरी जो है औरंगजेब और मस्जिद का अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये बहुत बड़ा फैसला जो है हम लोगों के लिए है और हम लोग बधाई जो है पे पात्र पूरे देश को बधाई दे रहे हैं, हिंदू समाज को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जो कदम बढ़ गए हैं ये जीत की ओर, हमारे बहुत जल्द से जल्द मुकदमा सॉल्व हो जाएगा। 12 के बीच में, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी, पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट के सामने। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक? देखिए, अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लगे थे, पर वहां पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। किस तरह का सर्वे कराया जाएगा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा, जिसकी परमिशन ऑर्डर 26 रूल 10A ऑफ सीपीसी में है। आखिरी सवाल, कैविएट इसमें दाखिल करेंगे आप? बिल्कुल कैविएट दाखिल करेंगे, अगर मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे।